नमस्कार, मीनू किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको भरेमा करेले की सब्जी बताएंगे। इसके लिए हमने करेले पहले ही छील के रेडी कर लिए हैं और एक करेला हम आपको छील के दिखाते हैं। ये करेले को हमने ऐसे छील लिया है और वो ऐसे बीच में से इसको चीरेंगे। करेले को कभी भी देख लेना चाहिए, अंदर कभी कभी कीड़ा रहता है। ये रेड वाला जो है हम उसे निकाल देंगे। अब हमारे करेले छिलकर रेडी हो चुके हैं। इसमें अगर छोटे करेले मिलते हैं तो भर के और भी अच्छे बनते हैं। मुझे आज छोटे करेले नहीं मिले तो मैं ये थोड़े बड़े करेले में बना रही हूँ। इसमें 1-2 चम्मच नमक डालकर हम रख देंगे। इससे क्या होगा, वो जो कड़वापन है वो निकल जाएगा और जो हमने करेले छीले हैं ना उनका छुकुर भी हम नहीं फेंकेंगे, उनको नमक लगा के रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए। अब हम इनको साइड में रख देंगे। अब हमने करेले के लिए 3 बड़ा साइज़ का प्याज काट के रख लिया है। ये बारीक कटा हुआ प्याज है, सूखा धनिया है, सौंफ है और अमचूर पाउडर है, नमक है और ये पिसा हुआ धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और जीरा। और हम इसमें सरसों का तेल ही लगाएंगे। सरसों के तेल से अच्छी कढ़ाई में भी बनाइए, उससे भी बहुत। अब हमने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। हल्की सी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। ये छोटा वाला चमचा है मेरे पास, इसमें हम 2 चम्मच करीब तेल डालेंगे। मैं तो अंदाज से डाल लेती हूँ मगर आपको मैं नाप के बता रही हूँ। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, इसमें हल्का सा हम जीरा डालेंगे। गैस को स्लो कर देंगे और हम प्याज को हल्का हल्का भूनेंगे लधी लधी आंच पर। प्याज को 1-5 मिनट तक अच्छा अच्छा फ्राई करेंगे, हल्का हल्का धीरे धीरे दिए इनको अच्छा दबा दबा के धो लेंगे। 3-4 बार आप पानी में धो लीजिए इसको। हमने करेले 4 बार पानी में धो के रख लिए हैं। अब अच्छा इनको निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे सारे करेले को इसी तरह से, और जो इनका छुकुल है उनको भी हमने धो लिया है। पानी अच्छा निचोड़ के निकालिए तो करेले आपके ख़राब नहीं होंगे 3-4 दिन भी। अब जो ये छुक्कुल है उनको भी हम दोबारा से एक बार और धो लेते हैं। धो के अच्छा निचोड़ के निकाल लेंगे। जो हमने करेले के छुक्कुल धो कर रखे थे उनको अच्छा निचोड़ लिया। अब हम इसको प्याज के साथ भुनेंगे। प्याज भी हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है। इतना ब्राउन होने के बाद ही ये करेले का छुकुल डालेंगे उसमें। अब इसको हम भूनेंगे हल्का मध्यम मध्यम आंच पर 5-6 मिनट तक भूनेंगे। चलाते रहेंगे, बीच में थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। थोड़ी सी गैस हम तेज करेंगे। अब इसको मध्यम मध्यम आंच, कभी थोड़ा फास्ट कभी स्लो गैस करते रहेंगे। अभी क्योंकि हमने करेले डाले हैं ना तो थोड़ी गैस कम है, इसलिए हल्का सा हम उसको तेज कर रहे हैं। हमारा जो करेला और प्याज हमने जो रखा था वो भुन के रेडी हो चुका है। इसमें अब हम सारा मसाला डालेंगे एक एक करके। एक 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच डाल के थोड़ा चला देंगे जो सारे में मिक्स हो जाएगा।
फिर हम एक दो चम्मच बड़ा भर के मिर्ची डालेंगे। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, करेले में थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है। और ये धनिया पाउडर भी है, इसे भी डालेंगे। और हमने ये सौंफ और धनिया जो पीस के रखा था, ये एक बड़ा वाला दो चम्मच भर के डालेंगे। दो से ढाई भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम चलाएंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हमने करेले धोने में भी डाला है, तो हम थोड़ा ठीक ठीक ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, एक आधा चम्मच थोड़ा ऊपर डाला है। हमने करेले मसाले में ज़्यादा तेल नहीं डाला है, क्योंकि अभी हम जब करेले फ्राई करेंगे जब भी तेल पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सूखा सूखा है, मगर बाद में रहेगा, ठीक हो जाएगा। अब ये हमने आमचूर पाउडर पीस के रखा है, ये भी हमने घर में ही पीस के रखा है, कच्चे आम को सुखा कर फिर पीस कर एक चम्मच डालेंगे। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इमली को भिगो के उसका गाढ़ा गाढ़ा रस भी डाल सकते हैं, नहीं तो सीजन में जब कच्चा आम आता है उसे भी घिस के डालेंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए खाली कर लेंगे। चुका था, मैंने करेले भर दिए हैं, आपको एक लास्ट में एक दिखा रही हूँ। उसको इस तरीके से हल्के से हाथ से उसको अच्छा दबा दबा के भर दीजिए। इसके लिए छोटे ऐसे करेले बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे नहीं मिले तो मैंने आज बड़े भी बना रही हूँ, मगर इसमें भी कच्चा है करेला अच्छा बनेगा। अब ये जो मसाला बच गया इसको हम ऐसे ही रख लेंगे, लास्ट में डालेंगे जब पूरा पकने के बाद। अभी डालेंगे तो मसाला जल जाएगा। कढ़ाई गरम होने रख दी थी, ये हम चार चमचे तेल डालेंगे, क्योंकि हमने मसाले में कम ही तेल डाला है तो ये सारा मसाले में पी लेगा। अगर आप कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल है, थोड़ा गरम होने दीजिए, हल्का सा हाथ में भाप लगने लगे जब हम एक एक करके करेले डालेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, करेले डालते ही हम गैस को स्लो कर देंगे। जो बड़े करेले हैं उनको हम नीचे डालेंगे, छोटे छोटे ऊपर रख देंगे। हमारा एक दो मिनट करीब हो चुका है, करेले को हम थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे। ऊपर नीचे कर देंगे। करेला बनने में कम से कम आधा घंटा लगता है, स्लो आंच में जब बनाते हैं तो ये धीरे धीरे ही पकना। अभी हम थोड़ा फिर ढक देते हैं, हम इनको खोल के देखेंगे। अब इनको हल्का हल्का हम पलट देंगे, सब आगे पीछे कर देंगे। अब इसको हम ढकेंगे नहीं, धीरे धीरे बार बार चलाते रहेंगे। हमारा करेला थोड़ा थोड़ा पकने आ चुका है, इसे हम दबा दबा के देखेंगे तो टूट रहा है तो पक गया है, कोई एक एक रह गया है कच्चा, अभी ये थोड़ा कच्चा है। हमने पहले भी इसको बीच में दो तीन बार चलाया था, आप भी इसको बार बार चलाते रहिए, बहुत टेस्टी रहता है भरेमा करेला। अब दो तीन दिन भी रख के खा सकते हैं बाहर भी, मगर इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लो गैस में पकाना है। अभी और इसको हमें लगता है 5-6 मिनट और लगेगा, और ज़्यादा देर करेले को ढकना नहीं चाहिए, ढकने से क्या कड़वापन ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने हल्का सा शुरुआत में ही ढका था, अभी और थोड़ा सा पकना है।
अब हमारा करेला बनकर रेडी हो चुका है, इसे हम दबाएंगे तो कट जाएगा। अच्छा हो गया, एक एक चेक करना पड़ेगा। अब करेला रेडी हो चुका है, अब हमारा भरेमा करेला बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।